चंद्री के गांव कलसोरा में शंकर दास की समाधि के पास बनने वाले हाल कमरे का निर्माण कार्य देरी से शुरू होने से गांव के लोगों में रोष पनप रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री करण देव काम्बोज ने शंकर दास समाधि के साथ बनने वाले हाल कमरे के लिए ग्रांट दी थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण यहाँ पर निर्माण कार्य में काफी देर कर दी गई, जिससे यहाँ पर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों को परेशानियों का सबब बने हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शंकर दास की समाधि पूरे गांव के लिए पूजनीय है और सभी गांव के लोग यहां पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं, अपना शीश नवाते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह निर्माण कार्य आज शुरू हुआ है, यह निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यहां पर निर्माण कार्य के लिए डाली गई सामग्री कुछ पंच सरपंच का नाम लेकर के यहां से उठाकर ले जा रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया तो वह उनसे दुर्व्यवहार करने लगे। जब इस बारे में गांव के सरपंच राजपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बरसात व सर्दी के चलते कार्य में देरी हुई है, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और यह निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 या 21 दिनों में इस निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे बाबा शंकरदास का काम है जी हाँ, समाध का, इसकी ग्रांट मंत्री करण देव जी ने दी थी काफी टाइम पहले। यहाँ कार्रवाई करने में काफ़ी लेट हो गए, इन्होंने पीछे से काम कुम लाया, बीच में फिर छोड़ कर चले गए, खड्डे खुड्डे खोदे। हम बार बार इनके पास गए, ना कोई सुनवाई नहीं करी, और आज प्रेस वालों को देख कर इन्होंने कार्य यहाँ चालू कर दिया। हम चाहते हैं कि ये कार्य पूरा हो जाए और बीच में ना छोड़ें। अगर इन लोगों ने किसी प्रकार की लापरवाही बरती तो फिर इनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ एक कमरा और आगे हाल बनना था जी, बीच में सामान ले गए, बाकी कल भी सामान उठाने आए थे, ये मेंबर आया था, बाकी हमारे बंदों के साथ झगड़ा झुगड़ा भी करा उन्होंने। अच्छा हाँ जी, बाकी इन्होंने रोक दिया फिर ले नहीं गया। हम चाहते हैं कि बीच में सामान सामून यहाँ से ना उठावा और इस काम को पूरा कंप्लीट कर दूँ। काम दे रखे मैंने, पिछले जो कार्य मेरे रुके थे वो पूरे करने लग रहे हैं, उसके बाद एक ग्रांट आई है, ठीक है, जो मेरे कार्य पूरे नहीं हुए वो तो पहले कार्य पूरे करूँगा ना। यही शमशान घाट पर काम है, दो तीन जगह और गलियों पर काम था, और जी मनरेगा का काम भी उन पर कैंडरी था, थोड़ा सा 3.5 के करीब थे, बस लग जाएगा 20-21 दिन तक लग जाए लेंटर तक, इसमें जल्दी डाल देंगे 15-20 दिन के अंदर अंदर इसने कंप्लीट कर देंगे। बाबा शंकरदास की समाधि दिया है यहाँ, सब गांव के जितने भी लोग लुगाई सब मत्था टेकन आवे और सभी गांव इसको मानता है। अब इसमें काम लगा हुआ है तो यहाँ ये जो मटेरियल पड़ा ये लग नहीं रहा, ठेकेदार सही वक्त पर काम नहीं कर रहा और खड्डे खुदे पड़े, लोग परेशान हैं, गली में मलबा इधर उधर फैल जाए, फिर उसको इकट्ठा करवाना पड़ा। कुछ लोग पंच वगैरह सरपंच का नाम लगा कर यहाँ से उठाना चाहवें, रोक के एक दो दफ़ा वो लड़ाई करने भाग गए। तो यहाँ मंत्री जी ने जो ग्रांट दी थी वो पूरी की पूरी लगनी चाहिए, और मंत्री जी अब बदल कर वहाँ रदौर हल्के में इलेक्शन पे गए थे, ये लोग सरपंच का नाम लेकर आ जाए यहाँ और कह दें भाई यहाँ जो सामान है इसमें ले जाऊँ उठा कर, हम यहाँ फिर उनके साथ बोलचाल करानी पड़ा हमने जी। अच्छा मटेरियल सही लगना करा, मटेरियल तो ठेकेदार तो ठीक जो मटेरियल लगना करा इस टाइम ये तो ठीक लगना करा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।